एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। देखिए, किसान और सरकार के बीच बातचीत का जो माहौल है वो एक बार फिर से तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। सरकार ने 30 दिसंबर यानी कल विज्ञान भवन में फिर एक बार किसानों को बैठक के लिए बुलाया है। ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के नेता प्रेम सिंह ने बड़ा दावा किया है और दावा ये कि पहली बार सरकार संशोधन के अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हुई है। सरकार और किसानों के बीच सातवीं बैठक में क्या निकलेगा समाधान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरकार किसानों में बातचीत के आखिरी 24 घंटे सातवीं बैठक में होगा समझौता। कानून पर सरकार ने छोड़ी संशोधन की शर्त। कृषि कानून पर तोमर तोड़ेंगे झूठ की दीवार। ये झूठ की दीवार बहुत मजबूत नहीं होती। किसान मनाएंगे नया साल या जारी रहेगा बवाल। आंदोलन के 34 दिन बाद एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत का माहौल तैयार हो गया है। 8 दिसंबर के 22 दिन बाद एक बार फिर बुधवार को सरकार और किसानों के बीच बैठक होने वाली है। सरकार किसी भी चर्चा के लिए हमेशा तैयार थी, आगे भी है। सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक वातावरण में मुद्दों को हल करने के लिए संवाद ही एकमात्र साधन है और संवाद को हम लोग बनाने पर लगातार बल दे रहे हैं। सरकार भले ही हमेशा की तरह बातचीत की पहल का दावा करे, लेकिन ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह इस बात से खुश हैं कि पहली बार सरकार संशोधन के अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार तो हुई। हमने चिट्ठी में भी यही लिखा भी, और कोई बात नहीं करेंगे, हम रिपील करने पर ही बात करेंगे। जे हमने चिट्ठी पर लिख के भेजा है, उनने फिर थोड़ी बहुत ही गोलमोल चिट्ठी लिखी है, तो कोई बात नहीं है, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। हम भागते नहीं, डिस्कस करके उनको मनाएंगे और रिपील कराएंगे। नया साल क्या लगता है कि खुशखबरी लेके आएगा? अच्छी बात है, जो हमने जो चिट्ठी सरकार को बातचीत के लिए भेजी थी, जो हमारा एजेंडा था, उसी एजेंडे पर तीनों जो कानून हैं बने हुए हैं वो रद्द करने के लिए, और जो MSP है पूरे भारत में लागू करने के लिए, बिजली शोध बिल जो है वो भी रद्द। तो हम समझते हैं कि पहली से कुछ एडवांस हुई है, क्योंकि इस बार वो रेपिटेशन नहीं है, अमेंडमेंट्स की रेपिटेशन कोई नहीं है, तो थोड़ी बात आगे गई है, तो अच्छा है, सरकार ने भी माइंड कुछ बनाया होगा ना। यहाँ तक तो लग रहा है कि जैसे कोई समस्या नहीं है और समाधान निकलने वाला है, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार ने हर मौके और हर मंच से ये बात साफ कर दी है कि कानून तो वापस नहीं होगा। किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी तक के अलावा कोई और फैसला उन्हें मंजूर नहीं। मुझे इस बात का खेद है कि आज जो कृषि कानून आए हैं, इन को लेकर कुछ किसान संगठनों के मन में भ्रम लोगों ने योजना पूर्वक पैदा कर दिया है। मैं लगातार ऐसे सभी किसान यूनियन के लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा है कि उनकी चिंताओं को दूर करने का जो हमारा दायित्व है, हम उसे पूरा करने में समर्थ होंगे और जल्दी से कोई रास्ता निकलेगा और हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। हम तो कहते हैं, जो कह गए भी कानून में शोध कर देंगे, हम मानेंगे नहीं। जे अगर कानून रद्द कर देंगे तो हम तो मीटिंग करेंगे, लेकिन जो इसके लीडर है वो बयान देते हैं कानून रद्द नहीं होंगे। जे कानून रद्द नहीं होंगे तो फिर मीटिंग का फायदा भी क्या है? नहीं, उन्ना चिर जावांगे तो नहीं, असी जिन्ना चिर साडे कानून रद्द नहीं होंगे, बड़े मजबूत होके आए हैं तो करवा के जावांगे। सरकार और किसानों में कल होने वाली बातचीत पर टिकैत की निगाहें भी टिकी हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 30 दिसंबर से ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दी थी। अब टिकैत का कहना है कि ट्रैक्टर तैयार है, बस बैठक के नतीजे पर नजर है। यहाँ पर पहली तारीख से होगा, तिरंगे झंडे लगा के, तिरंगे को सलाम करके, और जब उसमें परेड में शामिल होंगे, दिल्ली तरफ जाएंगे या गाजियाबाद? नहीं नहीं, ऐसे ही सड़कों पर वो लगाएंगे, क्योंकि एक लाइन में चलना चाहिए ट्रैक्टर, तो उनको रिहर्सल उनकी करवाएंगे।
राकेश टिकैत यूपी के किसानों के साथ दिल्ली और गाजियाबाद के बीच पड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच ये साल की आखिरी बैठक होने जा रही है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत में 24 घंटे और नए साल में 48 घंटे बाकी हैं। लेकिन किसान आंदोलन कब खत्म होगा इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार और किसान अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं।